नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और वो बड़ी खबर है कि ठीक चुनाव से पहले महायुति में फिर से CM चेहरे को लेकर के बात निकली है। और आपको बता दें कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं और ऐसे में उन्होंने पहले संबोधन दिया, जहां पर संबोधन देते हुए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया और कहा कि BJP को और महायुति को वोट दें और देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाएं। इस बात से ये अटकलें तेज हो गई थी कि क्या अमित शाह इनडायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस के लिए वोट मांग रहे हैं उन्हें सीएम बनाने के लिए। इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी। फिर हमने देखा कि जब मैनिफेस्टो जारी किया गया BJP की तरफ से अलग से, तो वहां पर अमित शाह से सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया और जहां पर हमने देखा कि अमित शाह पहले से तैयार थे, उन्हें ये बात मालूम थी कि सीएम फेस को लेकर के उनसे सवाल पूछा जाएगा। अमित शाह ने साफ कहा कि हम तीनों दल एक साथ बैठ करके सीएम के चेहरे पर फैसला करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सीएम कौन बनता है। यानी उनकी बात से एक साफ जाहिर हो गई कि सीएम एकनाथ शिंदे होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि क्या सीएम एकनाथ शिंदे फिर से बनेंगे। अभी आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि अभी फिलहाल हमारे जो मौजूदा सीएम है वो एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद कौन होगा इस पर हम बैठकर फैसला करेंगे। वहीं अब इसके ऊपर एकनाथ शिंदे का बयान आया है। दोस्तों, सीएम एकनाथ शिंदे भी लगातार संबोधन कर रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं। उनसे जब पूछा गया इस पर कि क्या उनका रिएक्शन, तो जो एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि सीएम फेस को लेकर के उनके बीच में कोई रेस नहीं है, ऐसा एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। अंदर क्या चल रहा है उसका अंदाजा तो आपको भी होगा कि सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे बीच सीएम फेस को लेकर के कोई खींचतान नहीं है। जो भी जो है डिसीजन लिया जाएगा तीनों गठबंधन दल के साथ बैठ करके, वो जो है फैसला सबके लिए मान्य होगा। ये बात सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सीएम रेस का, जो सीएम पद का रेस है वो महायुति में नहीं बल्कि MBA में है। वो MBA की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है कि सीएम फेस को लेके जो कुछ भी बातचीत की जा रही है वो महायुति में नहीं बल्कि MBA की तरफ इशारा कर रहे थे वो। तो ये करंट स्थिति बनी हुई है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आई, इसलिए आपको बताना जरूरी था, क्योंकि अमित शाह लगातार महाराष्ट्र में लोगों से संबोधन कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी किया, वहां भी उन्होंने संबोधन किया, तमाम पार्टी के बड़े नेता वहां मौजूद थे और जिस तरीके से संबोधन के दौरान उनके मुंह से निकल गया या लिखा गया था ऐसा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाइए और जिताइए, तो कहीं ना कहीं सबको ये अंदाजा लग गया कि क्या देवेंद्र फडणवीस अगर महायुति जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा सीएम फेस के लिए आगे किया जाएगा। ये अपने आप में एक जो कह सकते हैं कि चर्चा इस बात से गर्म हो गई थी। अब देखिए, अमित शाह जो बात कह रहे हैं उससे इतना तो जाहिर है कि जो उम्मीदें थी कि अजीत पवार होंगे या सीएम एकनाथ शिंदे होंगे कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, इतनी बात साफ है जो निकल के आ रही है कि तीनों ही गठबंधन के बीच में जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आएगा अब सीएम उसका होगा। ऐसे में BJP 150 सीटों पर लड़ रही है, आपको पता है, ऐसे में उसके सीटें ज्यादा लाने के चांसेस हैं, क्योंकि उसके मुकाबले अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की जो पार्टियां वो बहुत ही ज्यादा कम सीटें हैं उनके पास BJP के मुकाबले। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है, भले वो नाम ना ले रहे हों लेकिन इतना जरूर जाहिर है कि इस चुनाव के बाद अगर महायुति सरकार बनाने में कामयाब होती है तो फिर सीएम जो है वो BJP की पार्टी से हो सकता है, इसकी पूरी पूरी आशंका है। लेकिन मैं करंट मुकाबले की बात कर लूं तो उद्धव ठाकरे रैलियां कर रहे हैं, शरद पवार रैलियां कर रहे हैं और दोनों ही तरफ से मुकाबला जो है काफी कड़ा है और तमाम विधानसभा की रिपोर्ट जो है वो लगातार हम आपको 4PM पे दिखा रहे हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर सीएम बनता है, कौन जीत करके आता है, किसकी पार्टी आएगी, कौन से गठबंधन आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ज्यादा समय बचा नहीं है, 20 नवंबर को वोटिंग है 288 सीटों पर और 23 तारीख को काउंटिंग है और पूरे महाराष्ट्र में एक ही चरण में जो है चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वक्त बहुत नजदीक है और साफ क्लियर हो जाएगी कौन सी पार्टी सरकार बना रही है और कौन बन रहा है सीएम। तभी के लिए भाई इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।